जिहड़ी भी पंचायत ये सर्टिफाई कर देगी कि साडे पिंड दे विच अग नहीं लगी, पराली नूं अग नहीं लगी, उन्हूं 1 लाख रुपया स्पैशल आपदी डिस्क्रिशनी ग्रांट दे विचों मैं 1 लाख रुपये। किसान तो बेशुमार ने पंजाब दे, लेकिन काफ़ी जिले चों 10-10, 15-15 किसान जिहड़े डिपार्टमेंट की नॉलेज से और जिहड़े कन्फर्म किए हुए थे, जिन्हां ने पिछले काफ़ी सालों तो, सिर्फ इस बार नहीं काफ़ी सालों तो, पराली या कणक की जिहड़ी नाड़ है, रहिंद खूंद है, उन्हूं अग नहीं लाई सी, उन्हां नूं अज कोटपुरा विखे संधवा विखे बुला के इत्थे सन्मानित किया गया। सर तुसीं इक ऐलान किया भी 1 लाख रुपया चाहिए, वह की है? मेरे हल्के कोटपुरे दे विच जिहड़ी भी पंचायत ये सर्टिफाई कर देगी कि साढ़े पिंड दे विच अग नहीं लगी, पराली नूं अग नहीं लगी, उन्हूं 1 लाख रुपया स्पैशल आपदी डिस्क्रिशनी ग्रांट दे विचों मैं 1 लाख रुपये। कृषि मंत्री तोमर का बयान आया केंद्रीय कृषि मंत्री का, उन्होंने ये गल कही है भी पंजाब पराली के मामले बिल्कुल गंभीर नहीं है, तो इस मसले पंजाब सरकार की कर रही है? वैसे तो केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल बैठे लोग सारे या सारे सन्मानयोग होंगे, पर मैं लगता भी तोमर साहब को समझ नहीं है ना खेतीबाड़ी की। भाई कन्हैया कैंसर रोको सोसायटी खेती विरासत मिशन गुरु साहब चैरिटी ट्रस्ट खोसा वालों साझे तौर पर पंजाब भर के किसानों का सन्मान किया जा रहा, जिहड़े पराली के नाड़ नूं पिछले लंबे समय तो अग नहीं लाते तो उस नूं वख-वख तकनीकां राहीं पराली नूं खेत दे विच ही गालदे आ, तो पंजाब भर के हर जिले के किसान आए जिदे अच्छ सा बहुत ही सत्कारयोग सरदार कुलतार सिंह जी संधवा स्पीकर पंजाब विधानसभा, सत्कारयोग बीबी इंद्रजीत कौर जी पिंगलवाड़ा, सत्कारयोग डॉक्टर एस एस गोसल वाइस चांसलर खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी, तो डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट के होर इलाके नामवर शख्सियत हाजिर हुई उन्होंने किसानों का सन्मान करने वास्ते, क्योंकि समय की मुख्य लोड़ है। असं नित पढ़ते हैं पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, पर पंजाब का धरती हवा के पानी बहुत जहरीला हो गया, इस करके एक पासे पराली का रौला पै रहा भी पराली की बड़ी वड्डी मुश्किल आ, तो एक पासे वो किसान ने जिहड़े थोड़े खर्चे से पराली के प्रबंध में खेत सुधारते हैं, तो साडे जिस नाल धरती की उपजाऊ शक्ति वधदी, साडे मित्र कीड़े जिहड़े आ उन्हां दा वाधा हुंदा, फसल का झाड़ वध रहा। किसान तो बेशुमार ने पंजाब दे, लेकिन काफ़ी जिले चों 10-10, 15-15 किसान जिहड़े डिपार्टमेंट की नॉलेज से और जिहड़े कन्फर्म किए हुए थे, जिन्होंने पिछले काफ़ी सालों तो, सिर्फ इस बार नहीं काफ़ी सालों तो, पराली या कणक की जिहड़ी नाड़ है रहिंद खूंद है उन्हूं अग नहीं लाई सी, उन्हां नूं अज कोटपुरा विखे संधवा विखे बुला के इत्थे सन्मानित किया गया। सर तुसी इक ऐलान किया भी 1 लाख रुपया चाहिए, वह की है? मेरे हल्के कोटपुरे दे विच जिहड़ी भी पंचायत ये सर्टिफाई कर देगी कि साडे पिंड दे विच अग नहीं लगी, पराली नूं अग नहीं लगी, उन्हूं 1 लाख रुपया स्पैशल आपदी डिस्क्रिशनी ग्रांट दे विचों मैं 1 लाख रुपये। कृषि मंत्री तोमर का बयान आया केंद्रीय कृषि मंत्री का, उन्होंने ये गल कही है भी पंजाब पराली के मामले बिल्कुल गंभीर नहीं है, तो इस मसले पंजाब सरकार की कर रही है? वैसे तो केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल च बैठे लोग सारे या सारे सन्मानयोग होंगे, पर मैं लगता भी तोमर साहब को समझ नहीं है ना खेतीबाड़ी की। भाई कन्हैया कैंसर रोको सोसायटी खेती विरासत मिशन गुरु साहब चैरिटी ट्रस्ट खोसा वालों साझे तौर पर पंजाब भर के किसानों का सन्मान किया जा रहा, जिहड़े पराली के नाड़ नूं पिछले लंबे समय तो अग नहीं लाते तो उस नूं वख-वख तकनीकां राहीं पराली नूं खेत दे विच ही गालदे आ, तो पंजाब भर के हर जिले के किसान आए जिदे अच्छ सा बहुत ही सत्कारयोग सरदार कुलतार सिंह जी संधवा स्पीकर पंजाब विधानसभा, सत्कारयोग बीबी इंद्रजीत कौर जी पिंगलवाड़ा, सत्कारयोग डॉक्टर एस एस गोसल वाइस चांसलर खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी,
तो डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट तो होर इलाके नामवर शख्सियतां हाज़र हुई उन्होंने किसानों का सन्मान करने वास्ते क्योंकि समय की मुख्य लोड़ असीं नित पढ़ते हैं पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत पर पंजाब का धरती हवा के पानी बहुत जहरीला हो गया इस करके एक पासे पराली का रौला पै रहा भी पराली की बड़ी वड्डी मुश्किल आ ते एक पासे वो किसान ने जिहड़े थोड़े खर्चे से पराली के प्रबंध नूं खेच ते सुधारदे ने ते साडी जिस नाल धरती की उपजाऊ शक्ति वधदी साडे मित्र कीड़े जिहड़े आ उन्हां दा वाधा हुंदा ते फसल का झाड़ वध।